नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। रावण ने महिलाओं के बारे में 4 ऐसे सच बताए जिसे जानकर आप भी रावण को कहेंगे वाकई में रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण ने कहा था, ऐसी महिला से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना ही सही माना जाता है। और भी कई सारी बातें बताई थी जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। रावण की इन बातों को जानकर आप भी इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। वो अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे हर बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। दोस्तों, भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन रावण की यह गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका पर इतना घमंड होने लगा कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के बारे में 4 ऐसी बातें बताई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। महिलाओं के बारे में वो 4 बातें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रावण की इस बात पर आप एक लाइक तो जरूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नंबर 1, स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में ये कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती है और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे आपको धोखा भी देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े या किसी को अपनाना पड़े, ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती है और आपको भी फंसा सकती है। ऐसे में अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताई गई ये बातें किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ। दोस्तों, नंबर 2, रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती है। ऐसे में ये कभी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही भरोसा करना उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत अधिक करती है। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती है। ऐसे में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है। अब आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई इन सभी बातों को आप सत्य मानते हैं या असत्य। दोस्तों, नंबर 3, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले ये भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छुप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, वो आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ ही देती है। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती है। इसी वजह से कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण कभी भी बन सकती है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, नंबर 4, स्त्रियों के बारे में 4थी बात ये है कि ये किसी के भी बहकावे में बड़े ही आसानी से आ जाती है और किसी के भी जाल में फंस जाती है, फिर चाहे वो एक मर्द हो या कोई औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश बड़े ही आसानी से कर लेती है। स्त्रियां जब क्रोध में आती है वो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। दोस्तों, रावण की कही हुई बातों को आप कितने लाइक देंगे? जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।